नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें लोकसभा चुनाव से संबंधित आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, खबरों में दोस्तों जानेंगे, बताएंगे आप लोगों को। बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी का बेहद ही गंभीर आरोप, यूपी में कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग। जानेंगे कहां से खबर आ रही है, इसके साथ ही बताएंगे सैकड़ों जगहों पर मशीनें खराब, फर्जी वोटिंग करते धरे गए हैं भाजपाई, कहां का मामला है जानेंगे। इसके साथ ही कैराना में मुस्लिम वोटरों को किया जा रहा है परेशान, चुनाव आयोग पहुंची है समाजवादी पार्टी। इसके साथ ही खबर में बताएंगे कि वोटिंग के बीच बीजेपी को 13 राज्यों में लगा है अब तक का सबसे बड़ा झटका। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे विस्तार से। खबरों में बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है और परिवर्तन के लिए वोट कर रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली और महत्वपूर्ण खबर बताते चले, समाजवादी पार्टी बोली ईवीएम में हो रही है गड़बड़ी, बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यह भी बताते चले कि कैराना लोकसभा के यहां पर कैराना नगर इस्लामिया इंटर कॉलेज में धीमी गति से चल रहा है मतदान, प्रशासन जबरन मतदान की गति को कर रहा है प्रभावित। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। बताते चलें कि जब कैराना में मुस्लिम महिलाएं वोट करने जा रही हैं तो यहां पर उनको पुलिस कर्मियों की तरफ से परेशान किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो कि काफी गंभीर मामला है दोस्तों। यानी कि सरकारी मशीनरी का अब यहां पर दुरुपयोग किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, जब उसके समर्थन में जनता खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही चौका आने वाली खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, चुनाव आयोग से सपा के प्रत्याशी ने शिकायत कर दी है, कुटबा कुटबी गांव में पैरा मिलिट्री फोर्स भेजने की मांग की गई है, बीजेपी एजेंटों पर बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया है मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने, वोटरों की पिटाई, वोट ना डालने देने का आरोप लगाया गया है। सपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह मलिक ने यह चुनाव आयोग में शिकायत की है दोस्तों बूथ कैप्चरिंग की। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को अगली खबर बताते चले, समाजवादी पार्टी का बेहद ही गंभीर आरोप, मुरादाबाद में विशेष धर्म के लोगों को धमका रही है बीजेपी। बताते चले कि समाजवादी पार्टी ने कहा मुरादाबाद लोकसभा के ठाकुर द्वारा में बूथ संख्या 381, 382, 383 पर विशेष धर्म के लोगों को धमका रहे हैं भाजपा के लोग और नेता, चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जाए, राज्य के अंदर निष्पक्ष मतदान नहीं हो रहा है, यह समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है। चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, यह भी समाजवादी पार्टी का कहना है। इतना ही नहीं दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने मतदान बूथ का यहां पर निरीक्षण किया है, बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कई बूथों पर ईवीएम मशीनें खराब हैं, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, बीजेपी नेताओं के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, कई जगहों पर मशीनें खराब हैं जिसके कारण मतदाताओं को काफी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये कहना है चंद्रशेखर आजाद का, जो कि नगीना से निर्दलीय प्रत्याशी है दोस्तों और जबरदस्त लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती के साथ में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चले, जो कि आ रही है सहारनपुर से, जहां पर कई जगहों पर ईवीएम मशीन की खराबी जो हुई है उसकी शिकायतें सामने निकल के आई हैं। बूथ संख्या 227 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है, सैकड़ों की संख्या में मतदाता लाइन में लगे हुए हैं, कैराना लोकसभा क्षेत्र में आती है बूथ संख्या 227। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले कि शामली से भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने निकल के आ रही हैं, बूथ संख्या 46 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है, वीवी इंटर कॉलेज में लगी ईवीएम मशीन खराब, लाइन में लगे मतदाता, मतदान लगातार बाधित हुआ है, ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों। इसके साथ ही बताते चलें कि मतदान के बीच पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मतदान केंद्र के पास में पथराव की खबर है, पोलिंग एजेंट घायल हुआ है, बीजेपी पर टीएमसी ने लगाया है आरोप। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आज मतदान हो रहा है,
लोगों के बीच में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य यहां पर शामिल हैं। और बताते चले अगर आप लोगों को कि पहले चरण में इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है कई सीटों पर। इसके साथ ही सूत्रों से बेहद ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों सामने निकल के, वरुण गांधी की पीलीभीत से टिकट कटने के बाद बीजेपी उन्हें रायबरेली से चुनाव लड़ाना चाहती थी। जब इस बारे में वरुण गांधी से बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने पूछा तो उन्होंने साफ यह कहते हुए मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये वरुण गांधी ने कह दिया बीजेपी के नेताओं से। आप समझ सकते हैं कि वरुण गांधी का व्यक्तित्व किस तरह का है। उन्होंने टिकट ना मिलना कबूल किया मगर अपनी बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना कबूल नहीं किया। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही दोस्तों एक बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें कि एक्सिस माय इंडिया का एक ताजा सर्वे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप लोगों को बताते चलें कि सर्वे में बताया गया है कि एनडीए यानी कि बीजेपी के नेतृत्व में जो गठबंधन है उसको तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे तैसे हिम्मत करके यहां पर यह सर्वे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था, लेकिन यहां पर कुछ कारणों की वजह से इसको हटा लिया गया है, लेकिन यह सर्वे अब वायरल हो चुका है। बताते चलें आप लोगों को इस सर्वे में एनडीए को 243 से 254 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 232 से 242 सीटें और अन्य के खाते में 40 से 55 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। यानी कि बीजेपी के नेतृत्व में जो गठबंधन है उसको बहुमत नहीं मिल रहा है, ये बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है। बताते चले कि 13 राज्यों में बीजेपी मुश्किल में है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक चुनाव का सटीक अनुमान लगाने वाले चुनाव विशेषज्ञ प्रदीप गुप्ता के अनुसार 13 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मोदी की गारंटी काम नहीं कर रही है, जमीनी स्तर पर आश्चर्य की बात है। खबर और कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि गोदी मीडिया यह खबर दिखाने को तैयार नहीं है, बल्कि इस ट्वीट को ही डिलीट किया गया है। जब यहां पर दबाव ऊपर से पड़ा उसके बाद में यह ट्वीट हटाया गया है एक्सिस माय इंडिया की तरफ से दोस्तों। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर रहे तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।